सो व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं ऑल इन वन चैनल और मैं हूं आपका होस्ट इंजन। तो आज हम बात करेंगे फोर्टनाइट को लेके, और काफ़ी दिन से चल रहा है, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि फोर्टनाइट। और ये फोर्टनाइट है ऑफिशियली जो इपिक गेम ने लॉन्च किया था, वो था आपका सिर्फ सैमसंग और हाई बजट फ़ोन के जो फ्लैगशिप फ़ोन है उन लोगों के लिए था जिसका स्नैपड्रैगन 845 से ऊपर रहता है, उसी में चलता था। और मीडियाटेक में माली G72, उसके बाद MP3 के ऊपर ही चलता था, शायद MP3 तक सपोर्ट नहीं करता है ये फ़ोन। तो अभी ये है मेरा Realme 1, जो कि है हीलियो P60, और ये भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन है वैसे तो मैं इसमें कोशिश करूँगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना रिज़ल्ट के लिए क्या होता है। उसके बाद में अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है मेरा Realme 1। तो मैं डिस्क्रिप्शन नीचे एक लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उस एक APK को डाउनलोड करना है। वो APK आपका फोर्टनाइट का तरफ से नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपका कोई स्कैम भी नहीं होगा, जो कि आपको ह्यूमन वेरिफिकेशन या कुछ वेरीफाई करना ऐसा कुछ नहीं दूंगा उसमें। बहुत सारा वीडियो में आप देखा होगा, आप वहां से जाकर आप डाउनलोड करना चाहता है तो वहां में आपको वेरीफाई करना होता है, कुछ ऐप्स डाउनलोड करना होता है, उसे 2 सेकेंड या 30 सेकेंड प्लस को आप उसको यूज़ करना होता है, फिर भी आपको उसका लिंक नहीं मिलता है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको सही लिंक दे दूँगा। हाँ, लिंक में लेकिन आपका कुछ 10 सेकेंड का आपका एडवर्टाइज रहेगा, क्योंकि वो इसलिए है कि क्योंकि मेरा वीडियो अभी तक वीडियो में कोई मोनिटाइज नहीं हुआ है और उसमें से हमको कोई अर्न नहीं हो रहा है मेरे को, तो मैं उसी के थ्रू से अर्न करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो उसका फल भी मिलना चाहिए। तो उसीलिए तो आपको क्या करना है, क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद में मैं उसमें लिंक दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद कुछ आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह का ऐड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ में 10 सेकेंड के बाद में आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा। तो आपको यहाँ क्लिक करने के बाद में आपका पेज जो है कुछ इस तरह का खोल जाएगा। तो ये आपका खोल जाएगा इस तरह का पेज, जो कि होगा आपका 90.94 MB का। तो आपको सिंपली यहाँ डाउनलोड में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे डाउनलोड हो जाता है तो आपको फाइल मैनेजर में चले जाना है। फाइल मैनेजर में आपको देखना है कि कहाँ है वो ऐप्स, उसके बाद आपको उसको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं दिखा देता हूँ अभी, तो शायद मैंने उसे डिलीट कर दिया अभी फाइल को, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है उस ऐप्स को, फिर भी मैं डाउनलोड में देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ में, तो आपको डाउनलोड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में तो इंस्टॉल कर लेना है, और मैंने इंस्टॉल कर लिया तो मैं नहीं करूँगा इसे। तो इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, वो सिंपली उस ऐप्स को खोल लेना है। खोलने के बाद में आपका फिर उसमें से एक्स्ट्रा OBB फाइल डाउनलोड होगा, डाटा डाउनलोड होगा, जो कि होगा 1.3 लगभग 3 या 4 के बीच में होगा। तो उसको डाउनलोड कर लेना है आपको। पर आपका फ़ोन जो है आपका 3 GB रैम होना ज़रूरी है। अगर 3 GB रैम नहीं होगा तो उससे कम होगा तो आपका शायद ये फ़ोन में नहीं चल पाएगा, इसमें शायद ओपन भी नहीं हो पाएगा। तो आपका 3 GB रैम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ओरिजिनल आपका एपिक गेम से आपका जो लॉन्च हुआ था, एपिक गेम की तरफ से जो लॉन्च हुआ था, तो ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल को आपको मॉडिफाइड किया गया वाला गेम है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और चलिए देखते हैं। फोन में मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से चलता है। तो आपको इस तरह से क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका खोल जाएगा। तो आप जब शुरुआत में आप वो करते हो, तो डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे खोलते हो इस ऐप को, तो आपको कुछ 1.4 GB तक का आपको कुछ डाटा डाउनलोड होगा उसमें। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फोर्टनाइट दिखा रहा है अभी। मैंने इस गेम को ज़ेनफोन मैक्स प्रो में भी टेस्ट किया था, उसमें ठीक ठाक चल लेता है। उसके बाद मैंने ये ऑनर 9 Lite Plus में भी टेस्ट किया था, तो उसमें भी ठीक ही ठाक चल लेता है। चलो इसमें देखते हैं अब क्या होता है। तो भाई आप देख सकते हैं अभी लॉगिन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है, तो इसको मैं प्रोसेस को अभी नहीं दिखा पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली वहाँ में क्रिएट अकाउंट का आपका ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे तो आप फेसबुक से भी उसे लॉगिन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या तो आप गूगल प्लस से भी कर सकते हैं, या तो आप ऑफिशियली एपिक
इपिक का वेबसाइट में जाके भी आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आप खेल सकते हैं उस गेम को। तो मैं अभी थोड़ा सा गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये मेरा आईडी Tenjin277। तो ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है, ताकि जो आपको ह्यूमन वेरिफिकेशन करना होता है जिस तरह का, तो इस तरह का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप चाहे तो आप खेल सकते हैं इसे डाउनलोड करके, और डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना काफ़ी। तो मैं इसे सोलो में एक बार क्लिक करके देखता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका पूरा डाटा डाउनलोड होने का, तो आपको यहाँ सेटिंग में चले जाना। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं ये गेम चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो मेरा ये आपका 3GB 32GB वाला वेरिएंट वाला है, तो इसमें थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ और ये कोई फेक वीडियो नहीं है। तो जो डिवाइस में अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल, क्योंकि ये बेटा वर्जन चल रहा है, अभी तक ऑफिशियली आपका रिलीज़ नहीं हुआ है ये गेम, जो कि हर एंड्रॉयड के लिए रिलीज़ होगा ये गेम। तो आप कुछ समय के लिए रुक जाइए, रुक जाने के बाद मैं आपको, अभी फ़िलहाल पबजी काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम चल रहा है, इंडिया में ट्रेंडिंग भी चल रहा है काफ़ी, तो उसे डाउनलोड करके उसका मज़ा लीजिए, वो भी काफ़ी बढ़िया गेम है। उसके बाद जब ये ऑफिशियली ये सितंबर, मिड सितंबर तक शायद इसका रिलीज़ हो जाएगा हर एंड्रॉयड के लिए, तो तभी आप उसे डाउनलोड कीजिए। उसके बाद में आप उसे डाउनलोड करने के बाद उसका मज़ा उठाइए, तब तक के लिए आप पबजी से काम चला लीजिए, क्योंकि वो भी काफ़ी बढ़िया गेम है, मैं तो काफ़ी खेलता हूँ उसे। तो मैं इसे अभी सेव कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।